पब्लिक के का बा कि तू कहत रहा मुर्दाबाद बोलो बताई थे आप बोले थे कि वो तो तुरंत हो जाएगा भाई अतिक्रमण तुम्हारा मुक्त लेकिन अभी तक सीओ इसी के लिए तो हम लोग घेराव किया है सीओ से नहीं होगा ना वीडियो से होगा ना तो तू डीएम साहब के पास काहे नहीं जाते जाते हैं नहीं कितना आवेदन दिया है सांसद आवेदन लाइए तो सांसद विधायक को दिया गया वो भी दिया गया थाना को तो जब कोई बुलाएगा भाई स्टेट बहाल आपके पास नहीं गया है क्या प्रतिलिपि देखिए सोनू जी आपके पास और की सोनू जी एम्बुलेंस रुका हुआ है एम्बुलेंस को जाने दियो कि एम्बुलेंस भी रोक दियो नहीं एम्बुलेंस नहीं रुका है सर चला एम्बुलेंस नहीं रुका एम्बुलेंस का रास्ता बता दिया गया एम्बुलेंस निकल गया साहब है मीटिंग में इसीलिए एम्बुलेंस नहीं रोका गया है एम्बुलेंस रुक के भी दिया गया देखिए ए बाबू वहां से नहीं आया ठीक है कोई बात नहीं हमारा मन उससे अंतर नहीं मैंने हमारे रिलेटेड इशू नहीं ना है सर तो हम लोग को देखिए हम लोग आंदोलन करते हैं तो सभी को लेकर वो चलते हैं बिना ऐसा कोई नहीं करेगा सर क्या कहना चाहते हैं सर ये जो आंदोलन किए हैं सर क्या कहना चाहते हैं इसमें आ रहे हैं अभी अंचलाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी वही इसके बारे में बताएंगे जी ये उनसे अंचल प्रशासन और प्रखंड प्रशासन से रिलेटेड मैटर है जी सर इसलिए वही इसमें बताएंगे धन्यवाद सर अभी अभी बेतिया के चनपटिया इलाके के घोगा पंचायत से खबर आया है हमारे संवाददाता आदित्य कुमार दुबे ने बताया है कि घोगा पंचायत पे राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय आज़ाद मंच के कुछ लोग धरना दिए हुए हैं धरना पे बैठते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम इस धरना को हटा नहीं सकते उनका मांग है कि मनरेगा के चनपटिया ब्लॉक में हुए घोटाले को सरकार एक्शन ले और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करे तभी हम लोग इस धरना को यहां से हटाएंगे और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है चनपटिया ब्लॉक मनरेगा के अंदर जो 3 साल से चल रहा था करीब करीब 1,25,00,000 का एक पंचायत में घोटाला हुआ है अब इसी से सोच लीजिए चनपटिया ब्लॉक में 24 पंचायत है और 24 पंचायत में कितना घोटाला हुआ होगा इस घोटाले में कुछ लोग हैं जो शामिल हैं और 420 फर्जी साइन करके और सारे पैसे उठा लिए हैं जय हिंद